सुजानपुर भाजपा मंडल की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शनिवार को प्रधानमंत्री ने विदेशों से ऑक्सीजन से संबंधित मशीनरी व प्लांट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया था, और अब रविवार को एक और कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने निर्णय लिया है कि देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हर जिला में बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट होगा। इसके लिए पीएम केयर फंड, जिसमें हम सब ने योगदान दिया है, से पैसा आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मुख्यमंत्री ऑक्सीजन प्लांट्स की मांग कर रहे थे और उन्हें पहले ही पैसा दिया जा चुका है। 8-8 प्लांट उनको सैंक्शन केंद्र से करवाए गए हैं, लेकिन वे काम नहीं करवा रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अलग तरह का दुष्प्रचार आजकल केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किए जा रहे इस दुष्प्रचार के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से तथ्यों सहित जानकारी हासिल करने और उसके पश्चात दुष्प्रचार को रोकने के लिए सही तरीके से जवाब देने का आह्वान भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का भी पहले बहुत विरोध किया गया था, लेकिन वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करवा ली है, उन लोगों में संक्रमण बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसके आंकड़े भी अब सामने आ चुके हैं। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें संक्रमण दर की मात्रा मात्र 0.002% पाई गई है, जबकि जिन लोगों में मात्र एक डोज ही अभी ली है, उनमें भी संक्रमण की मात्रा 0.004% है। अर्थात वैक्सीनेशन लगवा चुके लोगों में संक्रमण दर 1% से नीचे रह गई है। वैक्सीनेशन बहुत हद तक इस महामारी को रोकने में कारगर साबित हुई है, इसलिए सभी लोगों को वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। बड़े अच्छे आंकड़े सामने आए हैं कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन हो गई है, उनका संक्रमण का रेशो केवल मात्र 0.002% है, और जिनका एक वैक्सीनेशन हुआ था उनका 0.004 है, अर्थात 1% से भी कम है। तो बहुत हद तक वैक्सीनेशन से संक्रमण नहीं होता। दूसरी बात एक जो आपको करनी है, जो सभी ने कहा अपने शब्दों में कि दुष्प्रचार सरकार के खिलाफ हो रहा है, मोदी जी के बारे में हो रहा है, केंद्र और प्रदेश दोनों के बारे में लोग बोल रहे हैं, उसका हमें सही जानकारी रखते हुए काउंटर करना है। आज ही मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कल तो उन्होंने फैसला किया था कि जो ऑक्सीजन के संबंध में मशीनरी बाहर से आएगी, प्लांट्स आएंगे विदेशों से, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। आज उससे आगे बढ़कर मोदी ने कहा है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट्स सारे देश में लगाए जाएंगे, हर जिले में ऑक्सीजन का प्लांट होगा, बड़े हॉस्पिटल में होगा, और उसके लिए पैसा अभी पीएम केयर फंड, जिसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया था, वहां से हुआ है। प्रधानमंत्री ने पैसा वहां से अलॉट कर दिया। कई मुख्यमंत्री चीख रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दो, उनको पैसा मिला है, 8-8 प्लांट सैंक्शन हुए, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। तो अब हर जगह मोदी जी ने प्रावधान करने का प्रयास कर लिया है, इसको भी हमें प्रचारित करना है कि 551 नए ऑक्सीजन प्लांट, लगभग हर जिले में एक प्लांट ऑक्सीजन का होगा, किसी दूसरे प्रदेश से कहीं दूर से लाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सेवा ही संगठन अभियान 2 के बारे में चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के पहले चरण में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया और गंभीरता से काम किया, लेकिन दूसरे चरण में और सतर्कता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों को भी जरूरत है, उन तक अपनी मदद पहुंचाने का उन्होंने आह्वान किया। श्री हरीश शर्मा जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर जी, महामंत्री पवन शर्मा एवं श्री अनिल शर्मा जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए सभी प्रतिनिधि, मैं सुन रहा था आप सब अच्छी चर्चा कर रहे थे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूर्व वक्ताओं ने दी है।
मैं सबसे बड़ा ध्यान दूंगा जो अर्चना जी ने बात कही, मैं उसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि मास्क लगाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं रहे। जो पहला अभियान था सेवा ही संगठन, उसमें मास्क हमने बांटे थे, लेकिन एक बात आप सब महसूस करेंगे कि अगर लोगों ने लगातार ध्यान रखा होता और जो नियम बताए गए थे उनको माना होता, चार बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कोरोना को रोकने के लिए। पहला मास्क लगाना, दूसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 2 गज की दूरी है जरूरी, अब तो थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी कि हवा में वायरस है जो सेकंड का आया है, और हाथों और फेस को धोते रहना, और वैक्सीनेशन, अब तो 18 साल से ऊपर हर किसी को वैक्सीनेशन करवाने की आवश्यकता है। और सेवा ही संगठन में हमने जो पहले अभियान में किया था दूसरे अभियान में भी लगभग वही बातें हैं, लेकिन पहले बारी में हम बहुत सीरियस थे, बड़ी गंभीरता से कर रहे थे। इस बार थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि वायरस ज्यादा खतरनाक है, और अभी तो थर्ड वायरस की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो एक तो जो नीडी है, जो जिनको आवश्यकता है, किसी को भोजन की होगी, किसी को दवाई की होगी, किसी को बिस्तर की होगी, किसी को ऑक्सीजन की होगी, जो जो आवश्यकता हो उसको पूरा करने का हम प्रयास करें। किसी को खाना दें, किसी को दवाइयां पहुंचाएं, किसी को मास्क दें। और हरीश जी ने एक आइडिया दिया था कि हम चेक करें, जैसे कस्बा टौणी देवी में है, सुजानपुर है, जहां 150 दुकानें हैं, वहां पर लोगों को चेक करें कि मास्क ठीक लगाया कि नहीं लगाया। तो हमने सजा तो देनी है, हमने तो मदद करनी है, तो हमारे पास मास्क स्पेयर हो, मास्क साथ रखें, जिसने नहीं लगाया उसको लगा के दें, और जिसने लगाया ठीक लगाया उसको कहें कि ठीक इस तरह लगता है, प्यार से समझाएं। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और दुष्प्रचार के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब यही है कि हम स्वयं काम करें। मंडल का एक इंचार्ज जिसका इस अभियान का हो, और जैसे कहा बीएमओ के टेलीफोन नंबर, हमारे चुनाव क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल्स पड़ते हैं जहाँ